हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा, कितना ही ब्यूटीफुल सा ये डोरमेट बनाया है। आज मैंने इस डोरमेट को बहुत आसान तरीके से बना लिया है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इन पीसेस में से, मैं यहाँ पर तीन कलर का बनाऊँगी, तो इन तीनों कलर में से हम 3x3 के यहाँ पर ये पीसेस निकाल कर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम तीनों में से ये पीसेस कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों में से कट कर लिए हैं। अब हम एक में से एक पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमें किस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से पहले तिकोना फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से पीस लेंगे, इसे पहले तिकोना फोल्ड करना है, इसे एक फोल्ड और लगाना है हमें इस तरह से। तो फिर से तिकोना हो गया। अब हम इस तरह से फोल्ड लगाएंगे एक, और एक फोल्ड हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से वाइट्स बनाना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, एक वाइट्स को मैंने सिल लिया है। इसी तरह से हमें सारे वाइट्स को सिलना है। तो मैं आपको फिर से एक वाइट्स को दिखाती हूँ कि किस तरह से सिलना है। इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरीके से एक फोल्ड और लगाना है, और एक फोल्ड और लगाना है, और इस पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें सारे वाइट्स को सिल कर तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें एक लड़ी सी बनाकर तैयार करनी है। तो इसी तरह से हमें सारे वाइट्स को सिल कर तैयार करना है। तो वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर सर्कल में ये पीस कट कर लिया है। इसको मैंने वेस्ट पड़े हुए पैंट में से कट किया है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल कपड़े वाले पैंट होते हैं उनको लिया है। आप चाहे तो कोई थिक कपड़ा भी ले सकते हैं इससे थिक। तो अब हम पहले इसकी किनारी लगाएंगे। तो इस तरह से कोई भी पट्टी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है और इसकी हम चारों तरफ इस पट्टी को सिल कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसके चारों तरफ मैंने इससे पट्टी को सिल लिया है। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से टर्न कर लेंगे इसे। तो अब हम कहीं से भी इसे शुरू कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए, और इसकी किनारी सिलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी किनारी सिलनी है। आप चाहे यहाँ पर और भी चौड़ा भी पट्टी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर इतनी ही चौड़ी लगाई है। तो ये देखिए, इसकी किनारी को मैंने चारों तरफ से सिल लिया है। तो ये हमारा बेस है। तो अब हमने जो वाइट्स को सिल कर रखा है उनको लेंगे। तो इस तरह से वाइट्स को रखना है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी किनारी किनारी पर किनारी लगाने से क्या होता है, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है और इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छे से आती है। और यकीन मानिए, ये डोरमेट बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से वाइट्स को रखेंगे एक के बाद एक, और इस तरीके से हम इसके चारों तरफ इस वाइट्स को सिल कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर वन लेयर लगा ली है और इस पर मैंने दो सिलाई लगाई हैं। एक यहाँ पर लगाई है, तो फिर एक मैंने ऊपर की साइड में लगा ली है। इससे इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी जो फिनिशिंग आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। तो अब हम इसमें सेकंड लेयर लगाएंगे। तो इस पर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ, इसे ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरीके से। जो हमारी सिलाई है वो एक सिलाई दिखे और दूसरी सिलाई ना दिखे, इस तरीके से मैं यहाँ पर इस पर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे कलर को भी इस पर सिल कर तैयार कर लूँगी। उसके बाद हमें दूसरे को इस तरीके से सिलना है। सभी को हमें राउंड में सिलना है और इसी तरीके से दो दो सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो मैं इनको सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों लेयर्स को लगा लिया है। तो अब हम इसमें कपड़ा लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें स्ट्रैप भी सिल सकते हैं फ्रिल में। मैं यहाँ पर इसमें कपड़ा लगाऊंगी। तो ये देखिए, जो हमने लेयर्स लगाई हैं वो कितनी ही सुंदर लग रही हैं। काफ़ी बड़ा बना रही हूँ मैं इस डोरमैट को। आप अपने हिसाब से मीडियम साइज का या फिर बिग साइज का, किसी भी साइज का बना सकते हैं।
तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस तरीके का कोई भी कपड़ा। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी कलर में, किसी भी कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से हम इस कपड़े की जो लंबाई है वो इस तरीके से नाप लेंगे, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी थोड़ी सी फ्रिल लगानी है। इस तरह से कपड़ा लगाते हैं तो उसमें फ्रिल जाती है। अगर आप सर्कल में कट करोगे कपड़ा तभी आपका इस तरह से फिट आता है, नहीं तो इसमें फ्रिल लगानी पड़ती है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा छोटा कपड़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को सिल लिया है। अब हमें जितना भी चौड़ा इसमें सिलना है उस हिसाब से हम यहाँ पर ये कपड़ा ले लेंगे, जितना भी चौड़ा लगाना है उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर डबल करके इसे फोल्ड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे कि हमें कपड़े को कितना लेना है, कितनी चौड़ी इसमें पट्टी लगानी है, उसी हिसाब से लेंगे। तो मैं यहाँ पर लूँगी इसे 5.5 इंच, क्योंकि 5 इंच की पट्टी रह जाएगी हमारी जब हम इसे लगाएंगे तब। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 5.5 इंच की हमारी पट्टी है वो कट हमने ले ली है। तो इस तरह से पट्टी को मैंने निकाल लिया है। अब हम अपना बेस लेंगे जिस पर हमने ये डिजाइन बनाई हुई है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, इस तरीके से। आप चाहे तो इसे इस तरह से फोल्ड करके भी सिल सकते हैं इसके चारों तरफ, इस तरीके से। इस तरह से आप फोल्ड करते जाएं, इसे सिलते जाएं। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। मैं इसे पहले इस तरह से रखूंगी इसे, और इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। तो देखिए इस कपड़े को मैंने सिल लिया है, इस तरह से आया है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इसे ना फोल्ड करें, क्योंकि हमें इसी तरह के वायर्स यहाँ पर लगाने हैं, इसलिए। तो मैं इसे फोल्ड नहीं कर रही हूँ। इस तरह से इसमें प्लेट्स लगाती जाएंगी। ये देखिए एक साइड में प्लेट्स नहीं है, एक साइड में हमें इसमें प्लेट्स लगानी है नीचे की साइड में, क्योंकि इससे क्या होगा जो हमारा कपड़ा है वो सीधे सिलकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए हम इस पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्लेट्स लगानी है इसमें। तो यहाँ पर पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं, उसके बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें प्लेट्स लगाते हुए मैंने यहाँ पर इसे पिनअप कर लिया है। अब हम एक सिलाई यहाँ नीचे फेड़ेंगे और एक हम बीच में फेड़ेंगे, जिससे इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। आप चाहे तो एक ही सिलाई फेड़ लें, आप चाहे तो दो सिलाई फेड़ लें। तो मैं यहाँ पर दो सिलाई फेड़ूंगी, एक ऊपर की साइड में और एक थोड़ा नीचे। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है। तो एक सिलाई मैंने यहाँ पर लगाई है, फिर एक मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दी है। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं कि इस फ्रिल को हमें कहाँ पर सिलना है, जैसे सर्कल में। इस तरह से सर्कल में मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से। तो हमें फ्रिल को जो सर्कल हमने लाइन लगाई है वहाँ पर रखेंगे, और इस तरह से इसमें प्लेट्स लगाते हुए इस तरह से, और इस पर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है, सिर्फ एक सिलाई लगानी है। और इस तरह से इसके राउंड में पूरा यहाँ तक सिलकर इस फ्रिल को तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है। मैंने फ्रिल को यहाँ से लगाना शुरू किया है कपड़ा लगाकर, उसके बाद आप चाहे तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी इस फ्रिल को लगा सकते हैं, उससे भी इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो अब हम इसी तरीके से सेकेंड लेयर लगा लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे, और इसी के साइड से हमें इस दूसरी वाले को लगाकर तैयार करना है इस तरह से। इसे हम इस तरह से कर देंगे, इसी के साइड से सिलकर तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर येलो की 2 रो लगाकर तैयार कर लिए हैं, एक रो ये और ये सेकंड रो। तो
फिर देखिए ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। इसके जो धागे निकल रहे हैं अभी हम इसको कट कर देंगे, उसके बाद बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो कपड़ा है वो हमने कॉटन का लिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से जब हम धागे कट कर देंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे दूसरा कलर, तो अब हमने येलो लगाया है, अब हम लगाएंगे ब्लू। तो यहाँ पर ब्लू कलर लिया है, तो ब्लू कलर से हम दो रो इसमें बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की लगा ली है, तो अब हम इसे भी इस तरह से कर लेंगे। अब हम लगाएंगे इसमें ये वाला कलर। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है, ये देखिए क्लोज करके दिखाती हूँ, कितना ही सुंदर लग रहा है इस तरह से कवर करने से। तो हम यहाँ पर, आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक रो और लगाऊंगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी येलो कलर से, आप कोई भी कलर से लगा सकते हैं। इस तरह से एक फ्रिल लगाऊंगी इस तरीके से, जिससे इसमें एक डिजाइन बन जाएगी। इसके चारों तरफ मैं इसी तरह से ये फ्रिल लगाकर तैयार कर लेती हूँ, सिर्फ एक ही रो लगाऊंगी इसमें। तो ये देखिए इस पर मैंने फ्रिल सिल दी है, तो ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है इस तरह से। आप चाहे तो इसे बिना फ्रिल के भी रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।